क्या आप भी अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर परेशान हैं कि हम अपने वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लेके आए? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसे आप फॉलो करके आप अपने वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। तो उस टिप्स को जानने के लिए आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपर भी हूँ। आज मैं आपको 11 ऐसे स्टेप बताने वाली हूँ जिसे आप फॉलो करके आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं और अपने वेबसाइट को गूगल में रैंकिंग में ला सकते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ जिससे आपको पता चले कि वह कौन से 11 स्टेप है जिसे आप फॉलो करके आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। तो यह 11 स्टेप है जिसे आप फॉलो करके आप अपने वेबसाइट पे बिना 1 रुपए खर्च किए आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। पहला, आपका हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब होता है कि आप जो भी लिख रहे हैं, वहां कंटेंट लिख रहे हैं, इमेजेज डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, वह सभी एक हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो इन बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कुछ अपने वेबसाइट पे कर रहे हैं वह हाई क्वालिटी का होना चाहिए। आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का होना चाहिए, आपका इमेजेज, वीडियो, ब्लॉग पोस्ट जो भी आप है वो सभी आपका हाई क्वालिटी का होना चाहिए। 2 नंबर पे आता है कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब कीवर्ड रिसर्च और ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? कीवर्ड अगर आपका रिसर्च में आएगा तो भी आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। कीवर्ड, अब रिसर्च के लिए हमें कीवर्ड के बारे में, हमें कौन कौन सा कीवर्ड हम अपने जो हमारा जिस चीज से रिलेटेड हमारा वेबसाइट है उस पे हम कौन कौन से कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा हमारा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑन पेज एसईओ, 3 नंबर पे ऑन पेज एसईओ का खास ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा ऑन पेज एसईओ कितना हमारा रैंक में है। 4 नंबर पे आता है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। आजकल हर कोई मोबाइल में यूज करता है, मोबाइल में ही हर कुछ यूज करके वह देखता है। वह गूगल में कुछ सर्च करना है तो भी मोबाइल में ही देखता है, अगर उसे कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो भी वह मोबाइल में ही सर्च। इसलिए मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना बहुत ही जरूरी है। वेबसाइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस, वेबसाइट का स्पीड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा वेबसाइट आपका 5 मिनट में, 4 मिनट में लोड हो रहा है तो उससे आपका ट्रैफिक पे बहुत असर पड़ेगा। तो वेबसाइट का स्पीड हमारा 1 से 2 मिनट के अंदर में, हमारा 1 मिनट के अंदर में अगर हमारा वेबसाइट ओपन हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है कि हमारे वेबसाइट, हम जो भी कंटेंट वहां डाल रहे हैं उसका जो लॉन्ग फॉर्म कीवर्ड होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, ये हमारा लॉन्ग कीवर्ड हो गया। तो इन चीजों को आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में करना पड़ेगा, तभी आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। लोकल एसईओ यानी कि गूगल माई बिजनेस पे हमारा प्रोफाइल होना चाहिए जिससे हम अपना लोकल एसईओ में करेंगे तो हमारा गूगल पे रैंकिंग में आएगा, तो हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। यूज इंटरनल लिंक, 8 नंबर पे आता है। इंटरनल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक होता है कि हमारे वेबसाइट का एक दूसरे पेज, एक दूसरे से लिंक, उसका बैकलिंक हम देते हैं तो उसे हम इंटरनल लिंक कहते हैं। मेटा टैग, जब हम ब्लॉग लिखते हैं या फिर हम अपना प्रोडक्ट के बारे में कोई भी कंटेंट हम डालते हैं तो वहां पे मेटा डिस्क्रिप्शन करके आता है, मेटा टैग करके आता है। उसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें मेटा टैग वह डाले जो हमारे कंटेंट में है, और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सोशल बटन शेयरिंग, 10 नंबर पे सोशल बटन का, वहां पे सोशल आपका फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जो भी आपका प्रोफाइल है वहां पे आपका लिंक होना चाहिए, आपका बटन होना चाहिए ताकि लोग वहां से क्लिक करके भी आपके वेबसाइट पे जा सके और सोशल मीडिया से भी क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आ सके। और 11 नंबर पे इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड, हमेशा आपको वेबसाइट का स्पीड चेक करते रहना पड़ेगा कि हमारा वेबसाइट कहीं स्लो तो नहीं हो, क्योंकि वेबसाइट
कुछ दिन चलता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर ठीक चलता है, तो उस बात को आपको रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा ताकि आप अपने वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लग जाए, 1 रुपया आपको खर्च करने की भी जरूरत ना हो। तो इन 11 बातों को अगर आप ध्यान में रखिएगा और इसे आप फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं अपने वेबसाइट पे, और उससे आपका, अगर प्रोडक्ट आप वहां से सेल कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, अगर आपका ब्लॉगिंग का है या फिर आपको सर्विस का है, तो आपको हर एक चीज के लिए आपका एसईओ होना बहुत, आपका ट्रैफिक होना बहुत जरूरी है। तो जब आप इन 11 चीजों का फॉलो कीजिएगा ना, तो आपका ट्रैफिक जरूर आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी आप जाइए और आप अपने वेबसाइट पर देखिए कि यह 11 जो स्टेप है वह आपका है आपके वेबसाइट पे कि नहीं, तो अगर नहीं है तो उसे इम्प्रूव कीजिए और अपने वेबसाइट को ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आइए। इस तरह के मैं और भी बहुत सारी वेबसाइट से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आती हूँ और आगे भी आती रहूंगी। अगर आप मुझसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, वहां मैं आपको बताऊंगी कि वेबसाइट कैसे बनता है और किस तरह से। तो आप बनवा भी सकते हैं मुझसे और सीख भी सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।